रिक्वेस्ट वो अभी आ रहे हैं, आ गए वो अभी टेस्ट ड्राइव के आगे 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 अरे ना हेलो गाइस, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि हम लोग क्यों व्लॉग का स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या हुआ है, आर्यन की मम्मी ने हमको कुछ दिन पहले कॉल किया था कि उसके लिए हिमालयन उसके मम्मी ने बुक किए थ्री मंथ्स पहले। तो आज वो बुकिंग मतलब डिलीवरी लेने के लिए आने वाले बाइक की, तो उसको पता नहीं है। वो लोग अभी इधर आएंगे बजाज, फिर KTM, मतलब वहाँ पे बाइक देंगे। फिर उसके मम्मी जस्ट उसको बोलने वाले कि हम लोग अभी रॉयल एनफील्ड भी देख के आते हैं, उधर आके फिर उसको मिलेगा। सबसे मेन बात ये जो है ये डिलीवरी के लिए स्पेशली उरन से आया है, क्योंकि उरन में हॉस्पिटल नहीं है ना। सो अभी आ रहे हैं, आ गए वो अभी टेस्ट ड्राइव के लिए आगे आगे आ रहे जी। तो वो शॉट के बाद जो हम निकले वो पहुँचे ही नहीं किधर, मतलब कि बाइक आई थी तब से कोई शूट नहीं किया क्योंकि बहुत बिजी थे, दिवाली भी थी तो फेस्टिवल के वजह से थोड़ा काम में बिजी थे इसलिए कुछ शूट नहीं किया। एंड वो लोग ने भी ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, जितना किया था वो आप लोगों ने देख लिया। एंड यस फाइनली बाइक आ गई है, फाइनली बहुत टाइम बाद। मेरे को लगा था कि बाइक आएगी अराउंड अप्रैल मई तक आएगी, क्योंकि जिस दिन आपने वो अभी फुटेज देगा वो हम लोग बेसिकली मैं और मम्मी का प्लान था कि बाइक टेस्ट ड्राइव के लिए जाएंगे। तो टेस्ट ड्राइव लेके फिर मम्मी डिसाइड करेगी कब कौन सी लेनी है एंड देन फिर आगे का। सो बट मम्मी ने सरप्राइज दिया, इन सब में पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है, थैंक यू सो मच। एंड मम्मी ने ये सब पहले ही 4 महीने पहले प्लान करके रखा, ये भाई साहब और मम्मी ने छुपा के रखा था। दोस्तों वो सोम जो मेरा फ्रेंड है उन लोगों ने भी छुपा के रखा था। सो अभी मेरे गाड़ी के अभी हो गए हैं 91.1 किलोमीटर, यानी कि आज फर्स्ट 100 किलोमीटर इसका हो जाएगा। एक्चुअली इसके एक्सेसरीज में ऑलरेडी नकल गार्ड और इंजन क्रैश गार्ड है लिया हुआ है, बट उस दिन स्टॉक में नहीं था इसलिए इंस्टॉल करके नहीं दिया। सर रुकावट के लिए खेद है गाइस, बट उस दिन मैंने मोटो ब्लॉग भी किया था जो कि उसका ऑडियो बहुत ही बकवास आया, सो वो मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वो उसका मतलब नहीं बनता। मैंने अच्छे से मोटो ब्लॉग किया था और मैंने थोड़े बहुत काम भी किया गाड़ी पे, स्टिकर्स एंड ये सब। एक्चुअली ये जो फ्रंट मडगा रेजर्स है मोटो जीनियस के, ये मेरे को ऋषि चिन्मय तेजस और सोहम ने मिलके दिया था जब बाइक की डिलीवरी लिया था तब। सो वो भी फिक्स कर दिया था उस दिन। एंड और भी कुछ काम किए थे जो कि मोटो ब्लॉग ही किया था मोस्टली मैंने, तो वो अच्छे से नहीं आया था, तो आई डोंट वांट टू पुट दैट इन दिस ब्लॉग। सो पता है मेरे को ये ब्लॉग ऑलरेडी छोटा बन गया है, 5 मिनट का या 4-5 मिनट का ही ये वीडियो, बट
ये ब्लॉग जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ है। मेरे को सरप्राइज था यार एक्चुअली, तो मैं भी प्रिपेयर नहीं था एंड जितना शूट किया था उतना मैंने तो डाल दिया है, और जैसे चाहिए था वैसे वीडियो बना नहीं है। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट ये गाड़ी के ऊपर ये तो अपनी बस ही है ना, तो व्लॉग्स बहुत ही अच्छे आएंगे आगे। और अभी नेक्स्ट वीक से मंडे से हमारे कॉलेज भी स्टार्ट होने वाले, सो अच्छे अच्छे कॉन्टेंट आने वाले। आई नो ये ब्लॉग ऑलरेडी लेट आ रहा है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेरा लिंक लगता है तो मैं कम्प्लीटली एकदम वीक में 2-3 वीडियो डाल देता हूँ, बट एक बार लिंक टूट गया तो इट्स वेरी हार्ड टू यू नो गेट ऑन ट्रैक। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट ऑन ट्रैक, और आगे टाइम टाइम पे वीडियोज़ आएंगे अच्छे से। और या ये ब्लॉग ऐसी इतने ही रखते हैं एंड आउटरो नेक्स्ट सीन में। सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जल्दी से करके रखें अगर नहीं किया है तो, क्योंकि ये बाइक पे बहुत ज़्यादा मोटो ब्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत सारे राइड्स करने वाले हम लोग। और राइड्स करने वाले इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग फिटनेस को नज़रअंदाज करेंगे, फिटनेस भी अपना मेन प्रायोरिटी है, बाद में फिर राइडिंग है। सो या सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय। डिलीवरी को आने वाले लेने के लिए शबा केयर टेक केयर शुक्राना मासन मार टेक केयर माई फील्ड।